नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। परिचय ही एक अशी कार्यावळ ज्या कार्यावळीच्या माध्यमातल्यान आम्ही तुमच्या मुखार हाडटा अशा काय तरेकवार बायल व्यक्तिमत्वांक, ज्या बायल व्यक्तिमत्वांनी आपले वेगळेपण आणि आपली ओळख सिद्ध केला। कारण आज आमच्या बरोबर जे व्यक्तिमत्व असा ती असा क्लिनिकल हिप्नोथेरपिस्ट श्रीमती मनीषा चड्डा। मनीषा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मनीषा जी, आपकी एक अलग सी पहचान है और वो पहचान क्या है ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। पहचान ये है कि आई लव व्हाट आई डू, आई एम व्हाट आई डू। एंड जब आपको मेरे स्टेज लाइफ में आके आफ्टर दैट मेनी इयर्स ऑफ मैरिज एंड दैट मच यू नो व्हाट यू कॉल ऑलमोस्ट मिडिल एज्ड, आपको अपनी कॉलिंग मिल जाती है ना, इट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। वो कहते हैं कि एक वो जो चीज मिल जाती है जो आपको रियली दिल से चाहो, हाँ दिल से चाहो, इट मेक्स यू हैप्पी। एंड जो उस पे दूसरों पे जो इम्पैक्ट होता है, आप लोगों यू आर हेल्पिंग change other people's lives, and I think that is and they are putting वो अपना विश्वास आप में डाल रहे हैं, तो उससे बड़ी आप अपने आप से बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। तो जब लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है या वो है, और जो मैं करती हूँ what we call clinical hypnotherapy, clinical hypnotherapy is a mixture of psychology, science and spirituality. तो it is not, and इसमें बहुत सारे misconceptions हैं। लोग सोचते हैं कि भाई मैं जैसे अगर किसी dinner में बैठी हूँ, लोग सोचते हैं oh you're a hypnotherapist, you can just do this and मैं exactly it's not tantra, it's not, if that exists that's a controversial topic in itself, but it is not some jadoo, it's not tona, you know, कोई ऐसी चीज नहीं है, it's not witchcraft or you know कि आपको मैंने देखा और आप मेरे control के अंदर आ गए, बिल्कुल भी नहीं। This is healing, जो भी issue है आपका, healing it through the subconscious mind. एक हमारा conscious mind होता है जो इस वक्त active है, that is the mind, the part of the mind that's doing all the reasoning, analysis, thinking, feeling, wo sab jo cheeze hoti hain, you know, that we are doing right now, you know, our conscious mind is operating it, lekin wo hamari mind ka bahut chhota hissa hota hai. The main part of our minds, and mind is what is the mind, it's a ball of energy, it's energy, you know. So jo main hissa hota hai is what we call the subconscious mind. To jab aap so rahe hote ho, it's your subconscious mind that is your conscious mind is at rest, your subconscious mind is what we call more active. Aur our subconscious mind is, simple terms mein agar main samjhaun to it is like a data bank. It is a sum total of jab se hum conceive hue hain apni maa ke womb mein se ab tak, is moment tak, हर एक मेमोरी, एपिसोड, सब कुछ इस डेटा बैंक में स्टोर्ड है। और हीलिंग जो होती है, इट इज टू सेटल द कॉन्शियस माइंड इन हिप्नोथेरेपी एंड गो टू द सबकॉन्शियस माइंड। सो व्हाट वी डू इज दैट हिप्नोथेरेपी, जो मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, इज लाइक अ वेरी फोकस्ड मेडिटेटिव ट्रांस। इट इज जस्ट डीप रिलैक्सेशन, you know, it is not for any point of time that you are not aware of what's happening. Haan ye ho jata hai ki log jo regularly mere jo clients who regular aate hain, or sometimes they just come for deep relaxation, wo so jate hain, but then throughout I know from the body signals of, you know, you've knocked off. And healing mein ye bahut zaruri hai, hypnotherapy mein, ki aap meri awaaz sunte raho, नहीं तो फिर काम कैसे होगा, यू नो, तो आप जाओगे कैसे? तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी होता नहीं है कि आप बिल्कुल ही मेरे कंट्रोल में आए। कंट्रोल की तो सवाल ही नहीं उठता, कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यू आर ऑलवेज कॉन्शियस कि क्या हो रहा है, बट योर कॉन्शियस माइंड इज सेटल्ड, इट इज नॉट थिंकिंग एंड एनालाइजिंग एंड रीजनिंग, एंड इट इज योर सबकॉन्शियस माइंड वी आर गोइंग टू। उधर से जैसे कभी कभी लोग आते हैं और कहते हैं कि मेरे को कॉमन वन is
मेरे को आजकल के खासकर आजकल की जनरेशन में आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट मैन और यू नो आई अट्रैक्ट ऑल द रॉन्ग मैन एंड आई मैं सब कुछ करती हूँ या इवन मैन हैव दिस इशू मैं सब कुछ करता हूँ बट आई ऑलवेज फाइंड दैट यू नो इट डजंट लास्ट एंड वो आई गेट डिसअपॉइंटेड मैं लेट डाउन हो जाती हूँ धोखा दे देते हैं व्हाटएवर लेकिन सबसे अहम बात ये समझ में अहम बात इसमें ये है कि Every issue lies with me. पहले मुझसे स्टार्ट होता है वो जो दूसरे कर रहे हैं they are just a reaction to the energy I am giving. तो मेरे में क्या है जो बार बार मैं वही टाइप के किस्म के लोग अट्रैक्ट करती हूँ अपनी लाइफ में मैं कौन सी एनर्जी दे रही हूँ सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड और फिर वी ब्रेक दैट इशू डाउन स्लोली स्लोली थ्रू हिप्नोसिस कि ऑफन Things are related to our childhood, you know, to something that may have happened then, or maybe our parents' relationship. We are the sum total of everything we have been through. तो जैसे कि मेरी खुद की मैं personal चीज़ share करना चाहूँगी मैं बड़ी हो रही थी तो मैं बहुत मोटी थी और लोग में से मैं लोग भी क्या मैं स्कूल में सब चिढ़ाते थे कि मोटी आ गई और you know मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे तो पतली नहीं होगी तो तेरी शादी कैसे होगी और कोई नहीं यू नो तेरे से शादी करेगा और तो यू नो एंड माय मदर यूज्ड टू से अरे कोई बात नहीं हो जाएगी पतली और मुझे खाने का बड़ा शौक था और आज तक है और फिर जब मैं करीबन आज तक है बिल्कुल है मैं जब करीबन 15-16 साल की हुई तो यू नो ऑल मेरे फ्रेंड्स के थोड़े से वो क्रशेस होने लगे और बॉयज वर लुकिंग बट कोई मेरी तरफ तो देखता नहीं था तो मेरे ब्रेसेस थे मेरी दो चुड़ियाँ थी और मैं बहुत मोटी सी थी तो फिर मैंने पता नहीं कैसे एक दिन डिसाइड किया कि बस यू नो मैंने अब वेट लूज करना है यू नो किसी भी तो मैंने इतनी लाइफ गुजारी इस डाइट में उस डाइट में स्टार्विंग माई सेल्फ एक्सरसाइजिंग लाइक क्रेजी यू नो बट जब भी मैं शीशे में देखती थी मुझे वो मोटी ही लड़की नजर आती थी सच्ची में और मैं इतनी पतली हो गई लेकिन फिर भी मुझे मोटी लड़की नजर आती थी एंड ये हाल ही में अबाउट 7-8 ईयर्स अगो यू नो आई रियली केम टू लव माई सेल्फ एंड लोग सोचते हैं यू नो ये कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली हाँ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ आई डोंट हैव लव फॉर माई सेल्फ हाउ कैन आई गिव इट टू एनीबॉडी एल्स एग्जैक्टली यू नो इफ आई डोंट हैव समथिंग आई कांट गिव इट टू एनीवन एल्स आई ट्रूली केम टू एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड दैट इज नॉट टू से कि आई सर ओके चलो जी पिज्जा हट जाके 6 पिज्जा खा लेते हैं वो सब ठीक है यू नो आई स्टिल लव माई सेल्फ यू नो नो आई बिगैन टू एक्सेप्ट माई सेल्फ ट्रीट माई बॉडी इन अ हेल्दी फैशन You know, exercise, look after myself. But, you know, for myself, not for my image to everybody else. What made me happy? Exactly. So, I, you know, healthy khati hun. Some days I don't eat so healthy. I do yoga. I look after myself as best as possible. But I'm not trying to be, you know, some 22-year-old Bollywood film star figure. No, I'm happy with what I am. But that took me a long journey. So a lot of people have that about their weight. Women are so conscious of their weight. It's such a big issue of their image, their weight. And ये जो है, you know, जब हम छोटे होते हैं या बचपन में किसी भी point में एक ये limit जब लोग कहते रहते हैं मोटी है देखो इसको मोटी है एक belief हमारे में पैदा हो जाती है कि मैं मोटी हूँ और फिर आप चाहे कुछ भी करो कितना भी weight lose करो मैं I'm not good enough मैं फिर भी मोटी हूँ तो जब तक हम सबकॉन्शियस में जाके उस बिलीफ को बिल्कुल रिलीज नहीं करेंगे वो तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जाना जरूरी है बहुत जरूरी है हिप्नोथेरेपी के लिए सबकॉन्शियस माइंड में जाना वेल इवन जब हम सिर्फ डीप रिलैक्सेशन करते हैं इट इज टू गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू नो जस्ट गेट कंप्लीट रिलैक्सेशन फ्रॉम देयर We live in such a stressful world. Exactly. There are so many demands, and even for women, I mean, whether it's career, children, and men are also victims of. Before it was only ki men pe pressure hai. Aajkal sab pe pressure hai. Sab pe pressure. And everybody wants to improve their lifestyle, and why not? You know, but in all that bhagdad and all that race, hum apne aap ko kahin bhool jaate hain. And fir jo bhi then we attract diseases. जो भी हमारी फिजिकल बॉडी में है
लिटरली जो भी हमारी फिजिकल बॉडी में हो रहा है कैंसर तक, वो हमारे इमोशनल और मेंटल स्टेट से लिंक्ड है. एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट. सो हमारा एक हर एक ऑर्गन रिप्रेजेंट समथिंग. जैसे हमारा लिवर है, व्हाट डज इट डू? इट क्लीन्स आवर टॉक्सिन्स, इट क्लीन्स अस अप, राइट? सो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दे सप्रेस देयर एंगर, दे सप्रेस देयर इमोशंस, दे आर नॉट एबल टू रिलीज. दे विल, यू नो, if you see victims of sufferers of liver cancer, they will generally be people who have spent their lives suppressing, you know, holding back, not being able to release, not cleansing. So jitna hum mentally emotionally apne aap ko cleanse kare, hamari body bhi waise hi respond karegi. Exactly. Manisha ji, hamari ye baat cheet chalti rahegi, hum lenge ek chota sa break. विसा उपरांत परत एक फावट तुमकां येवकार. तुमी पळयतात परिचय आनी आयज आमच्या बरोबर आसात श्रीमती मनीषा चड्डा जी आसा क्लिनिकल हिप्नोथेरपिस्ट आनी तिजे कडल्यान आयज आमी मुखार जाणून घेवया. तो मनीषा जी, ये बताइए जो मिसकन्सेप्शन लोगों के मन में है, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट सुना हिप्नोटिज्म और आप हिप्नोथेरपिस्ट हो, तो क्या है हिप्नोटिज्म? क्योंकि जो हिप्नोटिज्म, ये जब शब्द ही सुनते हैं हम लोग को, हिप्नोटिज्म मतलब कोई जादू है. तो मिसकंसेप्शन जो लोगों के मन में है वो क्या है? मिसकंसेप्शन यही है कि आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओगे और आप उनके कंट्रोल में आ जाओगे और जो आपके सारे राज चलाएंगे. नो, इट्स नॉट अ ट्रूथ सीरम, इट्स नॉट एनीथिंग लाइक दैट. ये सब, अ हिप्नोथेरेपिस्ट इज ओनली अ गाइड, जस्ट टू गाइड यू टू योर सबकॉन्शियस माइंड. बाकी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है वो तो आप ही निकालेंगे ना. सही बात है. दूसरा कोई आपके माइंड में जाके घुस ही नहीं सकता है. सही बात. तो जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, उनको वो मेरे पास आए तो वो बड़े परेशान थे. और कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे, मतलब रिलेटिंग दिस? मेरे क्लाइंट थे, वो आए मेरे पास और वो बड़े अपसेट थे. उनको लग रहा था कि कोई मेरे दिमाग में घुस गया है. तो यू नो, और मेरे को अजीब अजीब थॉट्स आते हैं और जो मैं सोचता हूँ वही हो जाता है और जनरली नेगेटिव ही होता है. मतलब तो मेरा यूजुअली बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है. बिल्कुल होता है. सोच रहे अरे वही हो गया. बिल्कुल. बिकॉज द पावर ऑफ आवर माइंड्स इज सो स्ट्रांग. वही तो कहते हैं कि जैसे आप हेल्दी खाना खाते हो अपनी बॉडी को नरिश करने, वैसे ही हेल्दी थॉट्स रखो अपनी लाइफ को नरिश करने. अगर मैं रोज सुबह उठ के बोलूँ अरे यार आज कैसा दिन है, आज फिर काम पे जाना है, आज फिर घर आना है, फिर वो ये, तो मेरा दिन वैसे ही जाएगा, वही वैसे ही जाएगा. तो माइंड में भी वही थॉट्स आने लगे. एब्सोल्युटली, अपनी थॉट्स का इतना ख्याल रखिए. बिकॉज योर थॉट्स, एक बार आपने अपनी थॉट्स यूनिवर्स पे निकाल दी, दैट इज व्हाट यू विल अट्रैक्ट बैक. If I am a miserable person all the time, अगर मैं सारा time miserable हूँ, negative हूँ, तो मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही होंगे. Because that is exactly, all I attract. Exactly. Because happy people won't want to be around me. So ये बहुत जरूरी है, and I cannot stress on this, कि take care of your thoughts, the way you talk to yourself. हम जो अपने आप से conversations करते हैं ना, वो कभी कभी कितने भयानक होते हैं. People don't realize, you know, हम दूसरों से भी ना, हम अपने आप को डरा देते हैं, ये हो जाएगा अगर वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा. Exactly. And वही होता है फिर, because we have already put that thought out into the universe, that is what we'll attract. So we call it the law of attraction. जो आप बाहर दोगे वही आपको वापस मिलेगा. वापस मिलेगा. सही बात. तो आप पॉजिटिवली कहीं जाओगे, आप पॉजिटिवली सोचोगे तो पॉजिटिव ही होगा. आप सोचोगे कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए या मेरा दिन ऐसे जाएगा, तो वैसे ही जाएगा. सो इट इज रियली रियली आई से टू माई क्लाइंट्स, द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लव, लर्न टू लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर. यू नो, अपने आप से प्यार करना सीखो. हम सोचते हैं हम अपने आप से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि लिपस्टिक लगा ली, मेकअप लगा लिया, तो हम अच्छे लग रहे हैं, तो हम हाँ जी बहुत प्यार करते हैं. बट नो, ट्रूली लर्न टू लव योरसेल्फ एंड Don't expect perfection. Nobody is perfect. And जो आपके लिए perfect हो, मेरे लिए perfect शायद ना हो. सब हर एक individual का एक different meter होता है, scale होता है. What is perfect? What is right? What is wrong? हर एक चीज अपने आप में सुंदर होती है. बिल्कुल. And सबके लिए जो आपके लिए right हो, मेरे लिए शायद ना right हो. तो
हम कौन होते हैं सबको जज करने वाले कि भाई वो देखो वो ऐसे कर रहा है, और जो हम जज करते हैं वही हमें कमी है, क्योंकि तभी हम उस पर देखते हैं कि ओ इसको देखो ये ऐसे कर रहा है. तो लर्न टू लव योर सेल्फ, रियली लव योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, लिव अ पॉजिटिव लाइफ. लाइफ इतनी सिंपल है सच्ची सोचा जाए तो, हम ही कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं इसको सोच सोच के, ओवर थिंक कर करके. ऑफकोर्स वी हैव प्रॉब्लम्स, बट हाफ द सोल्यूशन इज इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, यू नो विच इज वॉट सॉल्व्स द प्रॉब्लम. एंड हिप्नोथेरेपी इज समथिंग दैट इज कम्प्लीटली. आप इसको कैसे वर्क करते हो, मतलब आप क्या करते हो, क्योंकि हर एक में ये सब होता है, अपने आप को जगाना हर एक के हाथ में होता है, तो आपका रोल कैसा है? मैं आपको गाइड करती हूँ, मैं आपको हिप्नोसिस में ले जाके वी अंडरस्टैंड कि ये आपको जो भी इशू परेशान कर रहा है कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसका एक्चुअल ओरिजिन किधर है, व्हाट वी कॉल द ट्रिगर पॉइंट, ये कब से शुरू हुआ और कब से मैंने इसको अपनी एक बिलीफ बना ली कि यही मेरी लाइफ है. लाइफ, इफ आई से लाइफ इज हार्ड, लाइफ विल बी हार्ड. एग्जैक्टली, आप बोलो यू नो जिंदगी मुश्किल है, यूनिवर्स बोलेगी तथा जिंदगी मुश्किल ही है, मुश्किल ही है. आप सोचो लाइफ इज यू नो हैप्पी पॉजिटिव, ऐसी होगी. एंड दैट्स नॉट टू से दैट देयर आर नॉट प्रॉब्लम्स लाइक आई सेड बिफोर. मेरा रोल ये है कि आप मेरे पास आओ एंड यू से आई हैव एंग्जायटी और आई हैव आई वॉन्ट टू स्टॉप स्मोकिंग. और हिप्नोथेरेपी डील्स विद प्रिटी मच एवरीथिंग, आप जो सोच लो इट कैन डील विद दैट एंड इन अ टोटली मेडिकल फ्री वे. द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिलीव, बिकॉज वेन यू बिलीव इन समथिंग इज वेन इट वर्क्स फॉर यू. इफ यू कम विद डाउट यू रिमेन इन डाउट. सो वेन यू कम टू मी एंड आई वी हैव आवर फर्स्ट कंसल्टेशन, आप मुझे बताओ कि मेरे को ये है, मेरे को एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ गुस्सा नहीं रुकता, यू नो. तो वी गो इन टू डीप इन टू योर सबकॉन्शियस कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, किस ये गुस्सा एक्चुअली जो वजह क्या है, और जो प्रेजेंटिंग इश्यू होगा ना जिस चीज के लिए आप मेरे पास आओगे और जो एक्चुअल उसका रीजन होगा, एकदम कभी इतनी अलग चीजें निकल आती हैं फॉर द प्योर एक्चुअल हीलिंग टू टेक प्लेस. सो इट्स कम्प्लीटली मेडिकल, मेडिसिन फ्री. इट इज अ वेरी, इट्स बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ हीलिंग. और एक बात पता है ये कि मतलब कॉमन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि मिसकंसेप्शन जो है वो तो है. फिर उससे मतलब डे टू डे लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम्स इस पे सॉल्व हो सकती है? सारी डे टू डे लाइफ की सारी, आई मीन कॉमन, हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ लोगों को नींद नहीं आती रात को, कुछ लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोगों को बुरी आदत, एडिक्शंस हैं, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कुछ लोगों को एंजाइटी होती है. दिस कैन ऑल बी वर्क्ड ऑन एंड एवरी सिटी हैज हिप्नोथेरेपिस्ट. आई वुड रिकमेंड गो एंड सी अ हिप्नोथेरेपिस्ट. आपको रिस्पॉन्स कितना है यहाँ पे गोवा में? गोवा में यस, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा. बाय गॉड्स ग्रेस बहुत ही अच्छा रिस्पांस है. पीपल कभी कभी लोग आते हैं एंड माय फर्स्ट थिंग आफ्टर फर्स्ट कंसल्टेशन इज कि आपको हिप्नोथेरेपी के बारे में कितना पता है. कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं. से मैं हमेशा ये कहती हूँ जाके अपनी रिसर्च करो. आई मीन आई एक्सप्लेन व्हाट इट इज, बट खुद भी जाके, वी हैव गूगल टुडे, गो एंड लुक इट अप ऑन गूगल, बी वेल इन्फॉर्म्ड. Exactly. And decide, is this एक बात बताइए मनीषा जी, अभी देखो हिप्नोटिज्म अभी थोड़ा अवेयरनेस हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, गूगल से बहुत ज्यादा मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है. तो जो भी हिप्नोटिज्म में करियर करना चाहते हो तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? जो हिप्नोटिज्म में करियर करना चाहते हैं, आई थिंक व्हाट विल बी योर एडवाइस? डोंट थिंक ट्वाइस, गो फॉर इट. बिकॉज you know, not only with the most wonderful thing is you're helping change other people's lives, but you're changing your own as you go along. Har ek jo client aapke paas aata hai na, brings a different shift in your own awareness. Har ek client jo mere paas aata hai, brings something to my life also. And, you know, you yourself are in the, you know,
healing is a lifelong process of, you know, whatever your healing issues you're dealing with. But I would recommend, highly recommend, go out there, study hypnotherapy. You know, if you feel you have the real passion for it and you have the time to spend with people. Like, mera ek ye hai ki jab log aate hain, of course, you know, there's a session goes anywhere from 1 hour to 1.5 hours, but main kabhi logon ko rush nahi karti, because I don't think that's fair. You know, koi agar ek breakthrough mein hai us time, ro raha hai ya is going through something, I don't say bhai sorry abhi time, you know. Exactly. So when you go for something like hypnotherapy, go for it with your heart. Of course, we all have to earn a living, that's an important part. Exactly. But make sure you give it your heart. It's not a business, you know, it is really reaching out and touching people's lives. So yes, I would definitely say go out there, just spread, go for the it. Yeah, go for it, spread the awareness, go spread the goodness. Definitely. एक बात बताएं मनीषा जी, जब आपके बारे में हम लोगों ने जाना तो ये पता चला कि आप पहले जर्नलिज्म में थी, और जर्नलिज्म और हिप्नोटिज्म ये एकदम सा चेंज कैसे? एक चीज इसमें बड़ी कॉमन है कि दिस इज अ पीपल्स जॉब. एग्जैक्टली. सो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इंटरैक्टिंग विद पीपल. ओके. एंड यस, दिस इज समथिंग आई, जर्नलिज्म इज समथिंग आई वांटेड टू ऑलवेज गो इनटू. सो आई स्पेंट, शादी से पहले आप? हाँ, शादी से पहले किया था. हाँ जी. एंड काफी साल किया, फिर मेरी शादी हुई, आई मूव्ड अब्रॉड टू द यूके, आई वर्क्ड एज अ जर्नलिस्ट देयर एज वेल. तो काफी साल मेरे, बट अगेन आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट यू हैव टू हैव दैट एम्पथी, द कनेक्शन विद पीपल, जस्ट एज अ थेरेपिस्ट डज. तो जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, एक कनेक्शन है. अगर आपकी एनर्जी डिफरेंट होती और आप sort of, you know, तो फिर मेरी रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होती है विदाउट थिंकिंग. सो इट इज, यू हैव टू लाइक पीपल, यू हैव टू एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद पीपल. तो एक तो वो, ये एक एस्पेक्ट है. एंड देन व्हेन यू कंबाइन दैट विद द स्टडी ऑफ हिप्नोथेरेपी एंड हाउ इट, यू नो, द चेंजेस इट ब्रिंग्स अबाउट, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल, इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन. सॉरी. एंड यू आर हैप्पी विद इट? जर्नलिज्म से हिप्नोटिज्म? आई थिंक इट इज, आई समटाइम्स से, यू नो, I wish I had done this right from the beginning, but वो हर चीज़ का एक time होता है. Time होता है, सही बात है. And वो time उसका था, and those skills probably, I'm a very patient person, I think so at least. And in journalism, you have to be patient. You have to, you know, people can make you wait, and you can't, you know, start losing your temper or whatever. So you have to be patient. You have to listen to people. Exactly. And you have to absorb what they are saying. You can't just tune out. So I think all those skills helped me. दिल से आना चाहिए. बिल्कुल, दिल से आना चाहिए. वो सारी चीजें जो मैंने जर्नलिज्म में सीखी, वो सब आज मुझे हेल्प कर रही है. हेल्प कर रही है, सही बात है. तो आप भी हिप्नोथेरेपी शुरू कर दो. श्योर, डेफिनेटली. तो मनीषा जी, अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है वो गोवा में ही नहीं बल्कि गोवा से बाहर भी जा रहा है, तो ऐसे दर्शकों के लिए आप मैसेज क्या देना चाहते हो? Live the life you really want to live. Wohi zindagi jiyo that you truly want to live, that you deserve to live. Isme compromise mat karo. Ye nahi ki are bhai, you know, meri life aisi, I don't have enough money, meri life. But you can live, you make your life. You really, I know it sounds, log sochenge, are it's not so easy. Of course, nothing is easy. Nothing but, is easy. But if I go out there saying nothing is easy, then nothing will be easy. So if I go out there, ki I really, this is what I want to pursue. If someone, you know, at my stage of life can take up a whole new study and study, re-study myself. Restart it again. Yeah, people why are not? Diverse. Yeah, absolutely, why not? And the world, और उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है, कुछ भी नहीं, कभी मत सोचिए. आई मीन, जो मैंने जब मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी, देयर वाज अ फ्यू लेडीज हु वर, यू नो, लाइक इन देयर 60s एंड दे वर लर्निंग. यस, यू नो, हाउसवाइफ्स हु हैड जस्ट डिसाइडेड कि, आई मीन, दे हैड ग्रैंडचिल्ड्रन, अब कुछ नहीं है, यू नो, घर में बैठे हैं, एंड दे डिसाइडेड कि, यू नो, मुझे ये सीखना है. And I think it's wonderful. I think it's wonderful. And they set up centers, and you know, and they are helping people out. So there is no age limit to anything you want to do. There is no age. It is only from here. And the important thing is,
लेडीज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. लेडीज कहाँ कहाँ पहुंच गई हैं. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर वुमेन. आई थिंक वी आर हमारी अवेयरनेस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है कि वुमेन कैन अचीव एनीथिंग. देयर इज नो अब वो दिन गए कि यू नो वुमेन घर बैठी हैं, दे ओनली हैव टू घर एग्जैक्टली. वुमेन कैन अचीव एनीथिंग एंड इफ यू आर अ हैप्पी पर्सन you'll be a good wife, you'll be a good mother, you'll be a good daughter, you'll be happy because you're happy. If you're a miserable person, everything becomes a struggle. Miserable. Yeah, exactly. So love your life, love your life truly. That's it. मनीषा जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, इसलिए प्राइम टीवी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज बिग ऑनर फॉर मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Permission to work with you? Yes. Okay, so close your eyes and just take 3 nice deep breaths, breathing in through the nose, breathing out through the mouth. Your eyes are sealed shut and you cannot open them. The harder you try, the more difficult it becomes. You're going deeper and deeper. Your eyelids are totally relaxed. Just let go and keep going deeper and deeper till your eyelids feel very relaxed. Okay. Now, I want you to visualize or see. Feel yourself on top of a staircase. This staircase has 20 steps going down. It's brightly lit and it has good, strong, sturdy handrails on both sides. And you can very slowly, very gently open your eyes. So you opened your eyes before completed the process. So the process would have been for me to say in a few moments from now I'm going to bring you up and a few other things and then that's okay. How did it feel? Relaxed. तरिष्ठानो, परिचय ही आमच्या खास कार्यवणीत आज आमच्याबरोबर आशिल्ली श्रीमती मनीषा चड्डा. तर तिने आमका आज हिप्नोटिझम ह्या गजालीचेर बरीच सुंदर माहिती दिल्या. आणि तुमका आमची ही कार्यावळ कशी लागली ताजेबद्दल तुमचे फीडबॅक्स आणि तुमचे विचार आमच्या मेरेन पावयात. आमचो ईमेल आय डी हांगा फ्लॅश जाता, तशेंच आमचो व्हॉट्सॲप नंबरूय तुमकां मुखार दिसता. तर मुजरत कळयात आणि पळयत रावात प्राईम.